जितने मेंबर्स देख रहे हैं आज मैं आप लोगों के लिए जो प्रयोग लेने आ रहा हूँ सावन का ही प्रयोग है। अब मैं सावन के बहुत से आपको प्रयोग बताऊंगा, ऐसे ऐसे सावन के आपको प्रयोग बताऊंगा कि आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी, सारा खर्चा दूर हो जाएगा, खूब सुख समृद्धि धन खूब चकाचक आएगा, हर मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। और आज मैं जो आप लोगों के लिए प्रयोग लेकर आया हूं, इस प्रयोग को यदि आपने कर लिया तो धन इतना धन आएगा, इतना धन आएगा, इतना धन आएगा कि आपने कल्पना ही नहीं की होगी। यू कांट इमेजिन, आप सोच भी नहीं सकते इतना आपको धन की प्राप्ति होगी। अब मैं जो आपको प्रयोग बताने जा रहा हूं बहुत ही सुंदर, बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही उत्तम, बहुत ही बढ़िया प्रयोग आपको बताने जा रहा हूं। और मेरा यही सोचना, मैं यही सोचता रहता हूं कि मेरे अपने फैमिली के जितने मेंबर्स मुझे देख रहे हैं, जितनी मेरी फैमिली है जो बढ़ती चली जा रही है, दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है, इनके लिए मैं क्या से क्या अच्छे प्रयोग लेकर के आऊं और सरल प्रयोग लेकर के आऊं कि अपने जीवन के सारे दुख को, सारी समस्याओं को इन प्रयोगों के द्वारा आप लोग दूर कर लें। इसलिए जितने भी लोग देख रहे हैं, पूर्ण श्रद्धावास, पूर्ण श्रद्धा विश्वास, केवल आपको प्रयोग करते जाना है, करते जाना है। देखिए, और मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग अपनी कुंडलियां अवश्य दिखाइए, इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों की चिंता है। मैं जानता हूँ कुंडली का महत्व क्या है, आपके जीवन परेशानियां चल रही पर आपको पता ही नहीं किस ग्रह के कारण चल रही है, क्यों चल रही है, कब तक चलेंगी, कैसे दूर होंगी, क्या कारण है, ये कैसे पता चलेगा? आपको अपनी कुंडली दिखाने से पता चलेगा क्यों, कारण क्या है। इसलिए सभी लोग, जितने मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, सभी लोग अपनी कुंडली अवश्य दिखाइए। कुंडली दिखाने के लिए आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम और अपना नाम मुझे व्हाट्सअप करना है। छोटी सी सेवा राशि रखी गई है, सेवा राशि जमा करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, फिर मैं स्वयं आपको कॉल करूंगा। आपका सपनी डिटेल नहीं तो अपने बच्चे की डिटेल भेजिए, फिर मैं स्वयं कॉल करके आपको सब कुछ बताऊंगा। और मैं जो मंत्रों का जब बताऊंगा, इंद्रों की पूजा बताऊंगा, वो यदि आपने कर ली 30 से 45 दिन तक, यदि आप रंक होंगे ना, यदि आप रंक होंगे तो रंक से राजा बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता। एवरीथिंग इन योर हैंड, सब कुछ आपके हाथ है, बस करना आपको पड़ेगा। 10 मिनट, केवल 10 मिनट, ओनली 10 मिनट आपको देने हैं, बस 24 घंटे भगवान ने आपको दिए हैं। और यदि आप 10 मिनट भी नहीं दे सकते, फिर जैसे आप जी रहे जी, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, अपने जीवन का कायाकल्प करना चाहते हैं, अपने परिवार की सुख समृद्धि चाहते हैं, तो निश्चित ही आप 10 मिनट आपको देने पड़ेंगे। और मैं भी यही चाहता हूं कि आप लोग 10 मिनट दीजिए, मंत्रों में बड़ी शक्ति होती है। मंत्र एक बार आपके शुद्ध हो गए तो ग्रह अच्छे हो जाएंगे, और ग्रह एक बार अच्छे हो गए तो जीवन में वो सब कुछ आपको प्राप्त होगा जो आपने सोचा भी नहीं। इसलिए जितने मेरे फैमिली मेंबर देखें, सब लोग अपनी कुंडली अवश्य दिखाइए। अब देखिए आपको प्रयोग करना क्या है, ये प्रयोग आपको जो बताने जा रहा हूं, प्रयोग आपको करना है मंगलवार वाले दिन। मंगलवार वाले दिन यदि आपको 108 बिल्व पत्र मिल जाए, बहुत ही उत्तम है। 108 नहीं मिल पा रहा तो 27 बिल्व पत्र ले लीजिए, और लाल चंदन लेना है आपको। बिल पत्र ले आइए, बिल पत्र को बढ़िया पहले धुल लीजिए, और बिल पत्र को कटे फटे ना हो ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या करना है, लाल चंदन से बीच वाला जो बिल पत्र होता है, सबसे ऊपर वाला बीच वाला, उसमें लिखना है श्रीम। क्या लिखना है? श्रीम। और दोनों जो बिल पत्र होते हैं उनमें एक बिंदी रखनी है, ठीक है? ऊपर वाले बिल पत्र में रखना है श्रीम, और दोनों में एक एक बिंदी रखनी है। बिंदी रखने का आपको ऐसे ही 27 बिल पत्र, अगर 108 ना मिल पाए तो 27 बिल पत्र ले आइए, ठीक है? 108 मिल जाए तो अत्युत्तम है। बीच वाले में श्रीम और अगल बगल वाले में लाल कलर से, लाल चंदन से आपको रखनी बिंदी। और ये श्रीम लिखना किससे है, बिल पत्र के ही आपको डंठल लेना है, बिल पत्र के डंठल से ही आपको लिखना है, ठीक है? उसको धोके बढ़िया ले लेना, उससे आपको लिखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, मौली होती है, मौली से आपको उसकी माला बना लेनी, खूब घनी माला बना लीजिए। माला बनाने का तो आपको जाना है हनुमान जी के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाइए, उनकी पूजा अर्चना करिए, घी का दीपक जलाइए। और ए आपको मालूम है ना, शंकर स्वयं केशरी नंदन, जानते हैं ना, शंकर स्वयं केशरी नंदन, शंकर जी स्वयं केशरी नंदन है, हनुमान जी का रूप लेकर के आए हैं। तो आपको हनुमान जी को बिल्व पत्र की माला पहना देनी है, पहना दीजिए हनुमान जी को बिल पत्र की माला, और वहां बैठ करके हनुमान चालीसा कर सके 11 हनुमान चालीसा कर लीजिए, 11 नहीं कर पा सात कर लीजिए, बड़ी भोग लगाई, दीपक जलाइए, अपनी सारी प्रार्थना करिए, प्रभु मेरे सारे कष्टों करिए, उनको माला तक पहने रहने दीजिए, 1-2 घंटे भगवान माला पहने रहे, या फिर जितनी देर आप बैठे हैं उतनी देर माला पहने रहे। उसके बाद वो माला अपने घर ले आइए, माला घर ले आई, उस माला को आप सहेज करके रख लीजिए अपने तिजोरी के स्थान में, या फिर जब बेलपत्र सूख जाए तो उनको संभाल करके रख रही है। आप देखेंगे आपकी घर की सारी निगेटिविटी, सारा ग्रह क्लेश दूर हो जाएगा, और आपका धन, इतना धन, इतना धन, इतनी सुख समृद्धि, इतना अन्य धन आएगा, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, आपने सोचा भी नहीं होगा, और घर की सारी निगेटिविटी दूर हो जाएगी, सारे काम आपके बनने लग जाएंगे जो बरसों के रुके हुए काम होंगे। इतना अद्भुत परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी परिवर्तन आ सकता है। पर आपको ये जो उपाय करने हैं, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से करना है, क्योंकि जहां श्रद्धा नहीं है, जहां विश्वास नहीं है, जहां प्रेम नहीं है, जहां हृदय में भाव नहीं है,
वहां कितने भी उपाय करो कोई उपाय नहीं लग सकता। इसलिए श्रद्धा विश्वास प्रेम भाव होना बहुत आवश्यक है। मेरी शुभकामना आप सभी लोगों के साथ हैं। आप सभी लोगों के साथ स्वस्थ रहें, आनंद में रहें। राधे राधे।